एवरीवन, अभी जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है ये वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स कंपनी में है। ये बहुत ही अच्छा खासा वेयर हाउस है। देन इसमें काम करने वाले पर्सन जो भी है वो उनका सैलरी बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज होता है, देन पोजीशन भी इंक्रीज होते हैं। सो एवरीवन, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में अगर आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और आप डायरेक्टली जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो आफ्टर देन आपको कॉल करके बात करने हैं। सो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली दफा विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन लेवल अलग ही होता है। सो डेफिनेटली चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ में एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो भी जॉब्स के रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज है, उसका हम डिटेलिंग शेयर करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है फर्स्ट टैग वेयर हाउस कंपनी है, फास्ट टैग नहीं है। फास्ट टैग तो ये आपका टोल प्लाजा हो गया, फर्स्ट टैग है, फर्स्ट टैग वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये कंपनी का नाम आप शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट आया फर्स्ट टैग वेयर हाउस कंपनी में आया है, जिसमें वर्क प्रोफाइल है हेल्पर, पैकिंग हेल्पर, पिकिंग हेल्पर, सॉर्टिंग हेल्पर, यही सब काम है। देखो, अगर आप हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हो, जब से चैनल क्रिएट हुआ तब से, तो आपको पता है कि इस चैनल पे जितने भी वर्क प्रोफाइल आते हैं लाइक हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स कंपनी, यही सब आते हैं। और इससे ज्यादा ऊपर वाला पोस्ट के बारे में हम एक्सप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि दोस्तों एक अलग सा होता है, क्योंकि यहां पर इस जॉब्स में सेम डे जॉब मिलता है, आप जिस दिन विजिट करते हो उसी दिन काम मिलता है। इन हायर क्वालिफाइड पर्सन के लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते, देन उन्हें प्रॉब्लम्स होता है। सो चलिए यहां पर आपको बता दूं, जो आपका ड्यूटी है 9 घंटे की शिफ्टिंग है, 9 आवर्स की ड्यूटी एंड 26 डेज वर्किंग इन ए मंथ है। मतलब 9 घंटे काम करने प्रतिदिन आपको, और हफ्ता में एक दिन छुट्टी है, महीने में 26 दिन आपको काम करने हैं। सो लोकेशंस की बात करूंगा, क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस जॉब है लाइक दिस। अगर आप 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, यू कैन डू इट इजिली, आप कर पाएंगे, बिकॉज ओनली लेबोरियस पर्सन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, क्योंकि जो लेबोरियस होंगे उनके लिए ये फैसिलिटीज ही होगा। सो एज का लिमिटेशन बोलूं तो एज मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है, जो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। एज का लिमिटेशन वेरी कंपल्सरी है, अगर आपका एज का क्राइटेरिया कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम्स की बात हो ही नहीं सकती। सो लोकेशन की बात करूं तो दानकुनी कोलकाता लोकेशंस में जॉब्स के वैकेंसी होने वाले हैं। सो दानकुनी कोलकाता लोकेशंस के कैंडिडेट तो प्रेफर्ड है ही, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम आउट ऑफ कोलकाता है और काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, बट कंपनी ना ही आपको रहने की सुविधा देगी, ना ही खाने की सुविधा देगी, ये सब आपको खुद से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सैलरी की बात करूं तो 9 घंटे ड्यूटी के 26 दिन काम के जो बेसिक सैलरी है 13,000 रुपये मंथली बेसिस है। दिस इज ए नॉट फिक्सेबल सैलरी, दिस इज ए इंक्रीजेबल सैलरी, आफ्टर देन 6 to 9 मंथ योर सैलरी इंक्रीज। बट ये जो फैसिलिटीज मिलेगा ओनली फॉर लेबोरियस पर्सन के लिए, ऐसा नहीं कि आप जाते हो उस कंपनी में फालतू के टाइम व्यतीत करते हो तो उस कंपनी में आपको रखा भी नहीं जाएगा, तो ओनली फॉर लेबोरियस पर्सन ही नीडेड है। और जो भी कैंडिडेट एक्साइटेड है, स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, अभी कभी बात करें। और दोस्तों और भी ज्यादा जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है उस पर जाकर के क्लिक करके और भी जॉब्स के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जॉब्स की इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।